press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में खैरतल में हुई लूट और हत्या के आरोपी आज दो दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर खैरतल में बाजार तीन दिन के लिए बंद है। इसी मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसपी से मुलाकात की और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग रखी। दो दिन पूर्व खैरतल में दुकान बंद कर घर जाते वक्त तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी पर लूट के नियत से गोली मारकर हत्या कर दी थी। लुटेरे व्यापारी का रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की और तीन दिन बाजार बंद रहे। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन बाजार में सीसीटीवी कैमरे न होने के चलते आरोपियों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं राजनीतिक दबाव और व्यापारियों की मांग पर एक एसएचओ और तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एसपी से उनके निवास स्थान पहुंचे और अब तक की कार्यवाही जानी और साथ ही अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये आज हर नागरिक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो। तो एक भयभीत की स्थिति अलवर के लोगों के बीच में है। उसी आज हमारा एक पूरा डेलीगेशन जिला अध्यक्ष, हमारी एमएलए साहब, हमारे एमएलए जिला प्रमुख और सभी वरिष्ठ नेता मिले हैं और एसपी साहब से ये कहा है कि स्थिति जिले की बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों के अंदर पुलिस से विश्वास नहीं है, प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है और ये स्थिति को आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए, ये हमने उनसे निवेदन किया है। खैरतल की बात हुई है, भैरूर की बात हुई है, मानसून की बात हुई है, अलवर शहर के अंदर जो बलात्कार हुए हैं उसकी बात हुई है, मारा पीटी की बात हुई है, लोगों के घरों में जाके गोली ऐसे मार रहे हैं उसकी भी बात हुई है, जो भी यहाँ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी बात हुई है। उनको हमने यही कहा है कि आप तुरंत कार्रवाई करिए इन लोगों के ऊपर। ख़ास तौर से हमने ये बात रखी है कि जो बहुत सारे पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओज हैं और अधिकारी हैं जिनने एक तरह से पुलिस के ऊपर, पुलिस का जो काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं, किसी को दुकान चला रहे हैं, अवैध शराब बेच रहे हैं, डंपरों को के से पैसा ले रहे हैं, उनके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है यहाँ तक कि पुलिस का जो काम है उसके लिए, तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भंवर जितेंद्र सिंह के साथ मौजूद विधायक शकुंतला रावत, जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली, अशोक शर्मा, योगेश प्रधान सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। इस मुद्दे पर जूली ने कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, वरना कांग्रेस व्यापारियों के समर्थन में आंदोलन करेगी। एसपी साहब ने बहुत जल्दी पकड़ने के लिए कहा है और वो चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा काम करने का समय मिले, कोई प्रेशर हम पे नहीं रहे और कहीं प्रेशर में जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि जो अनुसंधान है वो किसी प्रकार से बाधित हो। लेकिन हमने उनसे जल्द से जल्द की बात की है और एसपी साहब ने भी जल्द से जल्द के लिए कहा है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि एसपी साहब समय मांगते रहे, हम समय देते रहे। हमने कल तक का समय दे रखा है, कल अगर कोई समाधान नहीं होता है, कल दोपहर तक कोई एसपी साहब की तरफ से बयान नहीं आता है इस अपराधियों के लिए, तो फिर हम इसमें खैरतल में बड़ा आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने दम पे वहाँ पर आंदोलन करेगी और व्यापारी अगर करते हैं तो उनको सहयोग भी कांग्रेस पार्टी करेगी। हम व्यापारियों के साथ हैं इस पूरे प्रकरण में, पहले दिन से ही हम लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल में हों, चाहे वहाँ खैरतल कस्बे के अंदर हो, हम सब जगह गए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में लगभग 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की लगभग 12 टीमें इसके ऊपर लगातार काम कर रही हैं और बहुत सारे भिन्न भिन्न दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास इनपुट सारे उनको वेरीफाई कर रहे हैं। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और मुख्य तौर पे जो घटनाक्रम है उसको स्पष्ट करने के लिए बाजार के दर्जनों लोगों से हम लोगों ने अलग अलग बात की है। अब काफ़ी हद तक घटनाक्रम स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से घटना हुआ, क्योंकि वहाँ पे मौके पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो दूर में जो भी हमें सीसीटीवी कैमरे मिले हैं उनके डिफरेंट छोटे छोटे फुटेजेस को जोड़ करके हमने एक अनुमान के आधार पे घटनाक्रम फाइनल किया है
और जो इनपुट है मुझे लगता है कि काफी जल्दी इसमें पुलिस को सफलता मिली। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ पुलिस पर आक्रोश नजर आया, चाहे राजनेता हो या व्यापारी। आज राजनेता तरह तरह की सलाह भी दे रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, लाजमी है। पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन हमें भी जागरूक रहना होगा। आज खैरतल के बाजार में अगर CCTV कैमरे लगे होते तो पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में समय नहीं लगता। आवश्यकता है अब जागने की। जितना हम कर सकते हैं कम से कम उतना तो अपने लिए करें।